भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से प्रभावित होकर सतना कांग्रेस की दो महिला पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें सदस्यता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिलाई। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद भी नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत सतना नगर निगम की दो महिला कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस पार्षद अर्चना अनिल गुप्ता और माया कोल ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर इस कदम को उठाया है। माया कोल ने बताया कि हमारा कांग्रेस में रहकर काम नहीं हो रहा था, इसलिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं दूसरी ओर अर्चना गुप्ता का कहना है कि मैं पहले भी भाजपा में थी और आज फिर से उनके घर वापसी हुई है। मेरा नाम अर्चना गुप्ता है, मैं वार्ड नंबर 44 की पार्षद हूँ। हम तो 27 साल से पहले भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे। कुछ वजह के कारण 2 साल कांग्रेस में चली गए थे, वहाँ मन नहीं लगा तो इसलिए मैं घर वापसी की हूँ। काम कांग्रेस से नहीं होता रहा है, इसलिए हम काम के विषय पर बीजेपी में शामिल हुई। काम नहीं हो रहा, महापौर तो करवा रहे थे, नहीं देखते रहे कि कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, पूरे काम करवाते रहे। परंतु हम अब कांग्रेस के सरकार नहीं है, बीजेपी के सरकार है, इसलिए हम बीजेपी में आ गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सतना के नगर निगम में, वहाँ के हमारे वरिष्ठ पार्षद जो कांग्रेस के पार्षद थे, श्रीमती अर्चना अनिल गुप्ता और श्रीमती माया कोल, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे महापौर भाई योगेश ताम्रकार जी, वहाँ के हमारे संभाग के प्रभारी भाई रणवीर रावत जी, हमारे वहाँ के विधायक बिक्की, उन सब लोगों ने मिलकर के आज सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में उनके नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।